चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज ड्यू टू, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म किस वजह से होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में के चारों तरफ घूमता है उसकी स्पिन की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ना, ठीक है, घूम रहा है, तो वो एक, जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो करंट कैसे डेवलप होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप होगी। तो करंट क्या बनाता है? एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो उसके पीछे का रीजन आपका क्या हो गया? स्पिन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऑलरेडी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक एटम, छोटा सा एटम, एक टाइनी मैग्नेट होता है। अच्छा, इसमें जो करंट डेवलप होती है इलेक्ट्रॉन के घूमने से वो कितनी होती है? करंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये होती है। आई की वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये वैल्यू उठा के रख दोगे यहाँ पर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी कितना डेवलप हुई सेंटर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।